नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी जिले में धूमधाम से 60वां वर्षगांठ मनाया। वहीं नगर के एक धर्मशाला में 30 अगस्त को व्यापक स्तर पर विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगा। यह बातें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर रविवार को हरपुर मिट्टी स्थित आवास पर विहिप के प्रांतीय सहमंत्री मंगल देव चौबे प्रेस वार्ता के दौरान कही। कहा कि अब तक 40 लाख से अधिक भाई बहनों को धर्म परिवर्तन से बचाया गया है तथा पूरे भारत में 9 लाख से ज्यादा हिंदू भाइयों बहनों को स्वधर्म में वापस लाया गया है। राजस्थान के ब्यावर परियोजना में लगभग 1 लाख मुस्लिम धर्मांतर हिंदुओं को घर वापस लाया गया है। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी 300 से ज्यादा विद्यालय, 20 छात्रावास और 100 से अधिक संस्कार केंद्रों के माध्यम से ईसाई बन चुके 50,000 हिंदुओं को घर वापस लाया गया है। यहाँ पिछले 15 सालों में एक भी हिंदू ईसाई नहीं बना। बताया कि 31 प्रांतों के 93 स्थानों पर 840 संस्कार शालाएं संचालित हैं। बताया कि सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य जातिगत विभाजन को कम करने और हिंदू समाज में एकता स्थापित करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। बताया कि सन 1964 में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विहिप की स्थापना हुई थी। निरंतर प्रयास से आज परिषद लगातार अपने लक्ष्य के प्रति बेहतर परिणामों के साथ अग्रसर है। इस मौके पर विहिप के विभिन्न मंत्री विवेकानंद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। आपने ऑर्गेनाइज किया है और क्या है उद्देश्य? विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद जन्माष्टमी के 7 दिन बाद तक सभी प्रखंडों में स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा तय किया था कि सभी जिला और विभाग केंद्रों पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया है, किस लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, इसको विस्तार से मीडिया के सामने बताकर हिंदू आम जनमानस तक पहुंचाना था कि विश्व हिंदू परिषद समाज में क्यों काम करता है और विश्व हिंदू परिषद का मुख्य ध्येय क्या है। जी, विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसकी स्थापना 1964 में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के मुंबई स्थित संदीपनी आश्रम में 29 अगस्त 1964 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर काम करना है। विहिप ने 60 वर्षों में कुछ प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है, जिसको बिंदुवार संक्षेप में मैं आप सभी के सामने रखता हूँ। प्रथम संत संपर्क 1966 में प्रयाग में प्रथम हिंदू सम्मेलन में सभी संप्रदायों के प्रमुख धर्माचार्यों व संतों ने एक मंच पर उपस्थित होकर घोषणा की धर्मांतरण को रोककर भिन्न भिन्न कारणों से मुसलमान और ईसाई बनने वाले लोगों को पुनः हम हिंदू धर्म में वापस कैसे ला सकते हैं, कोई भी हिंदू अछूत नहीं है, सब एक समान है, और विश्व हिंदू परिषद ने एक मंत्र दिया, हिंदवा सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। 1970 में असम के जोरहट शहर में हुआ पूर्वोत्तर राज्यों के हिंदू सम्मेलन में जनजाति बंधुओं के बीच देश भर के साधु संतों ने नागारानी गाइंडिल्यू के साथ ये उद्घोषणा की, वनवासी बंधु हिंदू समाज का अनन्य हिस्सा है। इसके बाद मिशनरियों, अलगवादियों के षड्यंत्रों पर विराम लगाना संभव हुआ। विश्व हिंदू परिषद आज भी अपनी गौशालाओं के माध्यम से 700 गौशालाएं विश्व हिंदू परिषद चलाता है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार तीन विषय को लेकर इसका एक बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद का। बजरंग दल, जो हमारी युवा शाखा के नाम से हम जिसको जानते हैं, वह भी हम सभी के बीच काम करता है। धर्मांतरण, संस्कृति का क्षरण, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं जागरूकता, जनसंख्या असंतुलन, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर अत्याचार, इन प्रमुख विषयों पर समसामयिक के रूप में विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिस प्रमुख बिंदुओं को अपना श्रेष्ठ कार्य मान के चलता है,
जिसको मानता है कि विश्व हिंदू परिषद अपनी परिणति की ओर जा रहा है, इसमें इस बार का स्थापना दिवस हम सभी के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 1964 से लेकर 1986 तक विश्व हिंदू परिषद ने केवल धर्मांतरण के विषय को लेकर के काम किया। हम अपने किसी हिंदू भाई को जाने नहीं देंगे और जो चला गया उसको लाने के लिए कौन सा प्रयास कर सकते हैं। 20 साल में विश्व हिंदू परिषद ने यही किया। मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1986 से जब संगठन को कहा कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रमुख घटक है विश्व हिंदू परिषद ही लेकर के करेगा, तो कई आंदोलन हम सभी ने किया जिसकी पूरी जानकारी हम सभी को, पूरे समाज को है। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे में हिंदू समाज ने ध्वस्त किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के द्वारा 5 लाख गाँव में लगभग 12.5 करोड़ परिवारों से निधि एकत्र की गई। 22 जनवरी 2024 को रामलला विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। धार्मिक यात्राएं 1995 में जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादियों ने कहा कि हम अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे और बूढ़ा अमरनाथ जो पुंछ के काकोरी में है वहां जाने से पहले, कोई भी हिंदू जाने से पहले सोचता था, संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, कहा था कि अपने अपने घर में अपनी तस्वीर पर आप सभी माला लगा के आइएगा, क्योंकि यहाँ से लौट कर आप जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। 51 हजार बजरंग दल के कार्यकर्ता और लगभग 1 लाख शिव भक्तों ने जाकर के और बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ कराया और कोई आतंकवादी गतिविधि उस पूरी यात्रा में सामने नहीं आई। और उसी समय से अपना बजरंग दल जो युवा संगठन है वो लगातार काम करता है। हरियाणा के मेवात में नल्लहड़ महादेव यात्रा, कर्नाटक में दत्तापीठ यात्रा, अयोध्या से जनकपुर तक श्री राम जानकी भारत यात्रा, इस प्रकार के अन्य यात्राओं में देश धर्म के प्रति जागरण, सामाजिक समरसता और एकात्म के कई उदाहरण विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्तुत किया है। अपना सेवा सुरक्षा संस्कार में जो पहला शब्द सेवा आता है, सेवा कार्य के अंतर्गत विहिप के सेवा विभाग द्वारा संचालित 4500 सेवा प्रकल्प चलते हैं जिनमें 31 प्रांतों के 93 स्थानों पर 840 संस्कार शालाएँ संचालित हैं जिनमें 17,000 बच्चे आज भी शिक्षारत हैं। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावास संचालित होते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा के दृष्टि से गोवा और मुंबई में रुग्ण सहायता केंद्र के माध्यम से रोगियों की सेवा की जाती है। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय विश्व हिंदू के परिषद के कार्यकर्ता तन मन धन व राहत सेवा से कार्य करते हैं। अब के समय में जो सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद का एक विषय है और जिसको चुनौती के रूप में हम सभी ने स्वीकार किया है, अवैध धर्मांतरण को रोकना तथा धर्मांतरितों को स्वधर्म में वापस लाना। विहिप ने अभी तक 40 लाख से अधिक भाई बहनों को धर्म परिवर्तन से बचाया है। 9 लाख से अधिक हिंदू भाई बहनों को स्वधर्म में वापस लाए हैं। पिछले एक साल में 8,000 बहनों को लव जिहाद के षड्यंत्र से बचाया है। राजस्थान के ब्यावर परियोजना में लगभग 1 लाख मुस्लिम धर्मांतरित हिंदुओं को घर वापस लाया गया। बांसवाड़ा में भी 300 से ज्यादा विद्यालय, 20 छात्रावास, 100 से। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।